ये कहानी उस वक्त की है जब एक अलग सा दौर हुआ करता था, जब हम बच्चे हुआ करते थे और पिगी बैंक में ही हम मनी जोड़ा करते थे, वही हमारा सेविंग अकाउंट हुआ करता था। तब ना कोई पासबुक होता था और ना कोई अपडेट का लोचा होता था, और तब लाइफ में आधार का कोई लिंकअप भी नहीं था। जहाँ बचपन में ना कोई टेंशन था ना कोई सपना था, उस वक्त तो मानो हर कोई जैसे अपना था। रोज़ सुबह एक सेम सा रूटीन होता था, सुबह सुबह रोज़ उठ के स्कूल को भागा करता था, पर जैसा भी था बचपन एक हसीन सा सपना था। हम स्कूल जाया करते थे और प्यार से हिंदू मुस्लिम दोस्त एक दूसरे का टिफ़िन चुराया करते थे, और फिर टिफ़िन चुरा के साथ में बैठ के दो चार बातें किया करते थे, और बातें करते करते टिफ़िन को आखिरी अंजाम दिया करते थे। क्या हसीन सा था ना वो वक्त, क्या प्यारा था ना वो हर लम्हा, जहाँ बादलों में खोया हुआ था मासूम सा अपना प्यारा सा बचपना। पर जैसा भी था बचपन एक हसीन सा सपना था, सब कुछ अपना सा था। वो रोज़ होमवर्क का प्रेशर होता ज़रूर था, पर शाम होते ही खेलने का एक अपना एक अलग ही कोटा था। माँ कितना भी बुला ले, पर जब तक सूरज की किरणें चांद के आने का इंतज़ार ना करे ताकि वो घर जाके आराम करे, और चंदा मामा रातों में बच्चों के पहरेदारी का काम करे। कितना अच्छा लगता था ना जब छोटी छोटी बातों में मुंह फुला लेते थे, जब वो रूठना होता था और फिर बहुत मुश्किल से जाके किसी का मनाना होता था, जब मनाना हो जाता था, तब एक वक्त आता था जब स्कूल में पनिशमेंट का डर ज़रूर होता था, पर स्कूल के बाहर आके अपना छोटू ही स्टड होता था। होमवर्क हमेशा इनकम्प्लीट ही होता था, और अपना नोटबुक तो मानो मोस्टली ब्लैंक ही होता था। पर फिर भी ये दिल कभी नहीं रोता था, तब साला ये दिल भी बहुत फ्रैंक होता था। जब दर्द सिर्फ साइकिल के गिरने में होती थी, तब चोट दिल पे कम और शरीर पे ज़्यादा लगती थी। खून भी बहता था, पर फिर भी ये दिल कभी नहीं रोता था। ये बचपन कितना हसीन सा होता था, जहाँ रिश्तों का ना कोई मोल होता था ना तराजू में दोस्ती का कोई तोल होता था। ये बचपन बहुत अलग सा होता था। वो बर्थडे पार्टी में जाने का एक इनविटेशन, शाम को पापा के ऑफिस से आने का, जल्दी आने का होता था टेंशन। ऑफिस से आते ही उनको मार्केट जो होता था ले जाना, क्योंकि बर्थडे प्रेजेंट होता था हमें खरीदवाना। वापस जल्दी जल्दी घर आना और रेडी होके बर्थडे पार्टी में पहुंचना, बिकॉज केक कट होने के पहले फ़ोटो जो होता था हमें खिंचवाना। फिर जब केक कट होता था तो वो बैलून्स के अंदर से छोटे छोटे एक्लियर्स का निकलना, बैलून बर्स्ट होते ही चॉकलेट जो होता था हमें लूटना, और फिर ये देखना कि किसने सबसे ज़्यादा चॉकलेट ली, कौन उस वक्त बना चॉकलेट किंग एंड क्वीन। एंड वो छोटे छोटे शरारत, एक दूसरे को डराना धमकाना रूठना मनाना, वो बचपन का क्रश, और उसको देखते ही दोस्तों के सामने खुद ही शर्माना। क्या प्यारा था पहले का ज़माना। वो बचपन में लगता था ना कितना रंगीन है ये ज़माना, वो बचपना और अपना घर ही था अपना अड्डा और ठिकाना। वो दिन था ना जब माँ बाप के आँखों से डरा करते थे, जब तक वो कुछ ना बोले हम कुछ भी नहीं किया करते थे, क्योंकि हम कहीं जानते थे उस वक्त मानते थे, क्योंकि बचपन में सिर्फ हम उन्हें ही अपना मानते थे। और क्या हसीन सा था बचपन और कितना प्यारा था ज़माना। बड़े होके भी छोटे हो जाने को दिल करता है, अब बस वापस अपने पुराने ठिकाने घर जाने को दिल करता है, अब बस वापस अपने पुराने ठिकाने घर जाने को दिल करता है, अब बस वापस अपने पुराने ठिकाने घर जाने को दिल करता है। एंड बाई एंडिंग दिस आई जस्ट वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट जिंदगी, लाइक वी ऑल टॉक अबाउट जिंदगी, सो देयर आर फोर लाइन्स ऑफ माइन। सो वो बचपन ही अच्छा था जब सब कुछ सपना था। इन बादलों में गिर के कहीं फंस गए हम, इन हवाओं में उड़ते उड़ते कहीं थमसे गए हम। बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सिखाया है ज़िंदगी ने, बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सिखाया है ज़िंदगी ने। ये ज़िंदगी जीते जीते ज़िंदगी जीना सीख गए हम, ये ज़िंदगी जीते जीते ज़िंदगी जीना सीख गए। थैंक यू गाइस।